चटपटी और मसालेदार खबरों के लिए सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन दबाइए और हर एक न्यूज सबसे पहले पाइए। भोजपुरी फिल्मों के सुपरस्टार खेसारी लाल यादव एक ऐसे सुपरस्टार हैं जो अपनी फिल्मों में हमेशा कुछ ना कुछ नयापन लेके आते रहते हैं, तभी तो इनकी फिल्में हमेशा भोजपुरिया बॉक्स ऑफिस पर सुपर डुपर हिट का डंका बजाती है। 2018 में खेसारी लाल यादव की सबसे पहली फिल्म दीवानापन बॉक्स ऑफिस पर दस्तक दे दिया है और फिल्म रिलीज होते ही बॉक्स ऑफिस पर बम्पर ओपनिंग किया है। इसी कड़ी में सुपरस्टार खेसारी लाल यादव का ब्रांड न्यू फिल्म धर्मात्मा का भी अनाउंसमेंट कर दिया गया है। जी हां, मीडिया रिपोर्ट की माने तो एक बार फिर से सुपरस्टार खेसारी लाल यादव फिल्म धर्मात्मा में नजर आने वाले हैं। आपको बता दें कि यह फिल्म प्रदीप शर्मा प्रोड्यूस करेंगे, जिन्होंने खेसारी लाल यादव के साथ डमरू फिल्म को प्रोड्यूस किए हैं। आपको बता दें कि फिल्म डमरू में खेसारी लाल यादव का बिल्कुल नया अवतार भोजपुरिया दर्शकों को देखने को मिलेगा। फिल्म डमरू में खेसारी लाल यादव शिव भक्त अवतार में नजर आएंगे। लेकिन आपको बता दें कि प्रदीप शर्मा एक बार फिर से खेसारी लाल यादव के साथ फिल्म धर्मात्मा का अनाउंसमेंट कर दिया है। लेकिन आपको बता दें कि फिल्म धर्मात्मा में कौन सी एक्ट्रेस काम करेगी ये अभी तक खुलासा नहीं किया गया है। लेकिन मीडिया रिपोर्ट की माने तो फिल्म धर्मात्मा में खेसारी लाल यादव के साथ एक बार फिर से काजल राधवानी का रोमांस भोजपुरिया दर्शक देख पाएंगे। फिल्म धर्मात्मा के शूटिंग जून महीने में नेपाल के खूबसूरत लोकेशन पर फिल्माया जाना है।